हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं, मैं उकारा शहर से बिलोंग करता हूँ। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो हम आपको आज सैलाब से मुतासर लोगों से आगाह करते हैं। वहाँ के हालात, मुल्कों के हालात बहुत ख़राब हुए हुए हैं। वहाँ पर स्वात में देखे, वहाँ स्वात का क्या हाल हुआ हुआ है। इतना खूबसूरत शहर होता था ये। आजकल टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, ये जो अमदाद लोग कर रहे हैं ना, ये जो वीडियो ना की बना रही है, उससे गुजारिश है जो ऐसी वीडियो ना बनाए। हमें पता है आप गरीबों के लिए इमदाद कर रहे हैं। दिखावा ना करें, दिखावा ना करें, दिखावा अल्लाह को ना पसंदीदा है। तो इसलिए, क्योंकि आपने अपने लिए करना है, अपने अपने स्वाब के लिए लोगों को इमदाद देनी है। हमारे लिए नहीं देनी, अल्लाह ने आपको ये उसका अजर देना, हमें नहीं देना। तो हम आपको, ये सिंध में हो गया सैलाब, कैसे आ रहे, तरबेला डैम में पानी की तह ज़्यादा हो गई हुई है, वहाँ से भी पानी निकलने का खतरा हो गया हुआ है। तो आप सबसे अपील है, गुजारिश है कि आप ऐसी वीडियो ना बनाए जिससे लोगों के दिलों को दुख हो, मुसीबत वो उन लोगों को दुख हो के हमारे लिए ऐसी वीडियो बना रहे हैं, ऐसी बना रहे हैं। तो हम आपको ये भी बात, और नाज़रीन, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैं हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि वो वहाँ पर जाए, उन्होंने घर देखे, वहाँ पर वो लोग कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो गरीब लोग, वो भी हमारे तरह ही है लोग, वो देखे हुआ। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, उनके लिए ज़िंदगी बसर करने के लिए घर तक नहीं है उनके लिए। उनके इलाके जहाँ वो रहते थे, वहाँ ऐसे सैलाब आ गए, सारा कुछ तहस नहस हो गया। ये अल्लाह ने अजाब भेजा है, वो बेशक अल्लाह ने अजाब भेजा है। ये इसलिए भेजा है कि इन्होंने अल्लाह की इबादत करना छोड़ दी थी, इन्होंने अल्लाह का कुरान छोड़ दिया था, अल्लाह के कुरान को पीछे कर दिया था। और टिकटॉक पे दुनिया ऐसे फेमस हो जाए, टिकटॉक बना दे, लड़की है आजकल के लड़के कोई भी कम नहीं है, बेशक हम भी है, हम भी बनाते हैं, हम भी कहते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं हुकूमत भी तो हुकूमत भी ना वहाँ पर जाए, उनको राशन दे, ठीक है, उनको राशन दे, उनको उनकी इमदाद करे। वो भी गरीब लोग हैं, हम भी गरीब ही लोग हैं, हम कौन सा अमीर तरीन है, हम भी, हमसे भी जो हो सके हम भी इमदाद कर रहे हैं। तो आप सबसे भी है, यहाँ पर हर हर एक मुल्क में, हर एक शहर में, सब जहाँ पर लगे हुए हैं बॉक्स, वहाँ पर जाके सब इमदाद करे। सबसे गुजारिश है सब इमदाद करे, और किसी का गरीब का मजाक ना बनाए, क्योंकि गरीब का मजाक बनाना अल्लाह ताला को ना पसंदीदा है। तो इसका सवाब हमें अल्लाह ताला ही देगा, और हमें इसका सवाब किसी ने नहीं देना। और यही हम, जो हम दुनिया में कमाएंगे वही आखरत में हम पाएंगे। तो दुनिया में अच्छा माल करोगे तो आखरत में अच्छा माल पाएंगे, और दुनिया में बुरा माल कमाओगे तो आखरत में भी बुरा माल पाओगे। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी इंसान की मदद करे जो गरीब है, हम अपने हमसाये का ख्याल रखें, हम अपने गरीबों का ख्याल रखें, जो मांगने वाला है उसकी भी मदद करे। भला वो झूठ बोलकर मांग रहा है, वो मांग तो अल्लाह की राह में, अल्लाह का नाम लेकर मांग रहा है। इसलिए हम सब, आप सबसे अपील है कि सब की मदद करे, और किसी का मजाक ना बनाए, और गरीबों का भी मजाक खास तौर ना बनाए। और जहाँ पर सैलाब आए हुए हैं, जहाँ पर लोगों की तो रहने के लिए घर नहीं है और राशन तक नहीं है कपड़े पहनने के लिए, हुकूमत से अपील है उनको सब कुछ दिया जाए, उनको सब कुछ दिया जाए। और आप भी इमदाद करें, आप भी अपने करीबी बॉक्स में जाए, वहाँ पर जाकर इमदाद करें लोगों, जो हो सके राशन दे सके राशन दे दे, पानी हो सके पानी की बोतलें वहाँ पहुँचा दे, बिस्कुट हो सके खाने पीने के लिए जो भी पहुँचा, पहनने के लिए सूट है वो भी पहुँचा दे। तो आजकल हमारे कॉलेजों में, कॉलेज में, स्कूल में, ये सब फंड इकट्ठा कर रहे हैं। ये फंड इकट्ठा करना इसलिए कर रहे हैं कि ताकि वो वहाँ पर मदद कर सके अवाम की। शुक्र शुक्र करें ये पाकिस्तान में अभी तक सैलाब नहीं आया। अल्लाह से अपील है कि अल्लाह से सब दुआ करें कि पाकिस्तान में ऐसा मुद्दा ना हो, ना सैलाब आए, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा ना हो। तो हम सबको, किसी का मजाक ना उड़ाए, हम इतना अपील करते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को बटन में क्लिक करें। शुक्रिया।